अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, बहुत से ऐसे मर्द हजरात हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि हकीम साहब, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसको हम मुस्तकिल इस्तेमाल में ला के अपने आप को ताकतवर रख सकें। तो आज उन सब के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से तो आज उन तमाम तर अफराद के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ जिसको अगर आप मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा ताकत देता है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, वही इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर शादीशुदा अफराद के लिए नुस्खा बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस नुस्खे किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं है, आप इसे सर्दी गर्मी हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा आपको इस कदर ताकत देगा कि आप खुद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये रोज़ाना शहवत पर, ये आपको रोज़ाना सोहबत पर मजबूर करता है, इसलिए शादीशुदा हजरात ही इसको इस्तेमाल करें। मेरी दरख्वास्त है कि जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई वो इस नुस्खे से दूर रहें। ठीक है, आपने करना ये है कि रोज़ाना आपने आधा किलो दूध लेना है, गाय का दूध। आप कोशिश करें भाने में चले जाएँ, किसी करीबी भाने में या कहीं दूर से अगर आपको गाय का दूध मिलता है तो बहुत बेहतर, अगर गाय का दूध नहीं मिलता तो भैंस का दूध है। अगर गाय का दूध आपको मुयस्सर नहीं है तो आप भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आधा किलो रोज़ाना का जो है, आपने आधा किलो दूध लेना है। आधा किलो दूध के अंदर ये नरछुआरा है, ये नरछुआरा देख रहे हैं आप, ये आधा किलो आपने दूध के अंदर डाल के इसको आपने इस कदर पकाना है कि दूध पक पक के डेढ़ पाव रह जाए। जब दूध पक पक के डेढ़ पाव रह जाएगा, आपने इसको बंद कर देना है, चूल्हे की आग को बंद कर देना है। दूध को नीम गर्म करें, ठीक है। जब दूध नीम गर्म हो तब आप इसको अलहदा रखें और चार अदद आपने लेने हैं लौंग, चार अदद लौंग लें आप, ठीक है। चार अदद लौंग लेके आपने इनको पीसना है, ठीक है। इनको पीस के आपने खूब अच्छी तरह पीस के पहले आपने ये लौंग मुंह में डाल के उसके बाद आपने ये जो दूध होगा इस दूध को आपने पीना है। इस दूध को पीने के बाद आपने ये तीन छुआरे जो है ये भी खा लेने हैं। उसके बाद ये एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है जो आपको कभी भी आसाबी कमज़ोरी नहीं होने देता, इसके साथ साथ ये आपको बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना रखता है। आपको नींद भी अच्छी आएगी, पुरसकून आएगी, कभी भी आप थकावट आपके करीब नहीं आएगी। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।